अभी नेक्स्ट हम चालू करने वाले हैं डिजाइन ऑफ द रूट ट्रस मेंबर एंड देयर कनेक्शन। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें हमने देखा कि ठीक है आपको जो पर्टिकुलर रूट ट्रस दिया गया है उस पर लोडिंग कैलकुलेशन हम किस तरह बना रहे हैं, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड किस तरह से कैलकुलेशन किया है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो आपके मेंबर्स होंगे उसमें आपका एक्चुअल फोर्स कितना आने वाला है ये हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर को कैलकुलेट कर दिया है। अभी ये जो आपका इंडिविजुअल मेंबर्स में जो आपके फोर्स है अकॉर्डिंग टू दैट फोर्स हम क्या करने वाले हैं, जो भी आपके ट्रस्ट मेंबर्स है उनको हम डिजाइन करने वाले हैं कि उसमें आपको कौन सा एंगल सेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज जो भी आपके पैनल पॉइंट्स आपके आपके रहेंगे उस पर्टिकुलर पैनल पॉइंट्स पे किस तरह से आपका करेक्शन होगा, कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ये जो है इसका कैलकुलेशन भी हम जो है वो करने वाले हैं। ओके नाउ ये हमारा ट्रस था, कुछ इस तरह से हमने जो स्टैंड पर हुए उसमें बीम जो है वो ड्रॉ किए थे 1 2 3 4 5, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं दोज आर द नंबर ऑफ द बीम। ओके ये आपके बीम के नंबर है कि ठीक है बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, बीम नंबर 3 आपने जो स्टैंड पर में कैलकुलेशन किया होगा उसमें भी आपको कुछ इसी तरह से आपको इन्फॉर्म करना है कि ठीक है मेरा ये बीम नंबर 1 था, मे बी आपका बीम नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, मे बी आपका कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग जो है आपको वो हो सकता है। ओके लेकिन आपको सबसे पहले यही करना है कि ये जो बीम नंबर है वो आपको डिफाइन करने है कि आपने स्टैंड प्रो में किस तरह से यूज किए हैं। ओके आप हमारे पास एनालिसिस रिपोर्ट है, उस पर्टिकुलर एनालिसिस रिपोर्ट में आपको दो चीजें लगेंगी, एक जो आपकी बीम्स है बीम्स के लेंथ आपको लगने वाले हैं। ओके तो बीम्स के लेंथ हमने ऑलरेडी आपके एनालिसिस रिपोर्ट में एज वेल एज हर एक बीम का जो है आपके पास मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव वाला फोर्स जो आपके पास वो अवेलेबल है। ओके मैक्सिमम नेगेटिव वाला फोर्स और मैक्सिमम पॉजिटिव वाला फोर्स हर एक बीम के लिए आपको जो है वो कंसिडर करना है और नोट डाउन करना है। तो मेन जो आपका एनालिसिस रिपोर्ट है उसमें से आपको क्या लेना है, जो लेंथ है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी एज वेल एज हर एक बीम के आपको मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव जो फोर्सेस है वो आपको कंसिडर करना है। ओके और इसीलिए ये जो नंबरिंग है आपकी वो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बीम आपका कौन सा है। ओके नहीं तो क्या हर एक के जो नंबरिंग हो मे बी आपकी अलग रह सकती है, तो आपको अपनी नंबरिंग के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना है। मे बी मेरी जो नंबरिंग आपको दिख रही है बीम नंबरिंग वो गलत होंगी, आपका मे बी 1 2 3 अलग रहेगा। ओके तो आपको क्या जाना है, आपने जो स्टैंड प्रो हमने कैलकुलेशन किया था उस स्टैंड प्रो में आपको जाना है, ये आपका मॉडलिंग है यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके जो लेबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ओके आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लेबल्स जो आपको दिख रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको बीम नंबर्स दिख रहा है, उस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को आपको क्या करना है सिलेक्ट कर लेना है। ओके जो आपका बीम नंबर वाला ये जो आपका चेकबॉक्स है उसको हमने सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया तो आपको यहाँ पे बीम नंबर जो आपके वो दिख जाएंगे। ओके तो आपको यही करना है, आपको आपके स्टैंड प्रो में जाके आपको बीम नंबर कंसिडर करना है, आपके मन के हिसाब से नहीं देने, क्योंकि जो आपने रिपोर्ट प्रिपेयर किया है वो रिपोर्ट और आपके जो बीम नंबर है वो दोनों मैच होने चाहिए, नहीं तो आप बीम नंबर अलग दे दूंगी मे भी यहाँ पे जो मेरा भी बीम नंबर दिख रहे हैं वो मे भी अलग रहेंगे, आपके जो रहेंगे वो भी अलग रहेंगे। ओके थोड़ा सा आपको आपको उस तरह से डिफाइन करना है कि ठीक है मेरे बीम नंबर किस तरह से, उसके हिसाब से आपको सब कैलकुलेशन जो है वो करना है। ओके तो ये होगी आपकी सबसे पहली स्टेप। फ्रॉम हमारा जो भी रिपोर्ट था हमने सबसे पहले प्रिंसिपल टाई जो है वो कंसिडर किया, जो भी आपका प्रिंसिपल टाई है उसको हमने कंसिडर किया। प्रिंसिपल टाई मतलब क्या रहेगा आपका, ये जो आपका बॉटम वाला मेंबर होगा। ओके सो हमने कंसिडर किया बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, बीम नंबर 3, बीम नंबर 4, बीम नंबर 5 और बीम नंबर 6, इनका हमने अगेन कैलकुलेट किया मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव फोर्स और मैक्सिमम आपका टेंसाइल फोर्स। ये जो आपका ये होगा आपका नेगेटिव वाला और ये रहेगा आपका पॉजिटिव वाला। ओके जो आपका स्टैंड प्रो का एनालिसिस रिपोर्ट हमने किया है उसमें पॉजिटिव वाले ये वैल्यूज रहेंगी और निगेटिव वाले आपकी ये वैल्यू रहेंगी। ओके तो हमने कंसिडर किया कि ठीक है बीम नंबर 1 में मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका कितना है और मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कितना है, सिमिलरली बीम नंबर 2 में कितना है, बीम नंबर 3 में, 4 में, 5 में और आपका 6 में, इस तरह से सभी जो आपके पर्टिकुलर बीम्स है उसमें हमने कंसिडर किया कि मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना है और मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कितना है। ओके तो इसमें से आपको निकल के आया कि ठीक है इतने जो मेरे 6 जो मेरे पर्टिकुलर उसमें से सबसे ज्यादा जो है आपका वो डिजाइन वो रहेगा मेरा डिजाइन कॉम्प्रेसिव लोड, तो वो रहेगा आपका 17.033 और यहाँ पे ये जो आपके पर्टिकुलर 6 वैल्यू इसमें जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू रहेंगे वो रहेंगे मेरे डिजाइन टेंसाइल लोड। ओके अभी हम क्या कर रहे हैं, हर एक जो पर्टिकुलर बीम है उसको अलग से डिजाइन नहीं कर रहे हैं। ओके सभी बीम्स की लेंथ सेम है और जो आपका वैल्यू है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका जो भी आपका लोडिंग वैल्यू है उसमें, तो हम क्या करेंगे हर एक को अलग अलग करने के बजाय हम क्या करेंगे सभी जो आपके 6 है
छह ही मेंबर जो आपके हैं उन छह में से सबसे मैक्सिमम वाला लोड लेंगे और उसके लिए डिजाइन करेंगे, सो दैट जो आपके लोअर वाले हैं उसके लिए भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब आपको अलग अलग डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर छह मेंबर्स हैं उनके लिए हमने क्या कर दिया, एक ही डिजाइन प्रोवाइड कर दिया। उसमें से हमने छहों में से जिसका मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड होगा, जो मैक्सिमम टेंसाइल लोड होगा, वो हमने क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया। ओके, सिमिलरली आपका जो ये हो गया आपका नीचे वाले प्रिंसिपल टायर, उसके वाला आपका जो प्रिंसिपल राफ्टर होगा, प्रिंसिपल राफ्टर आपके जो टॉप वाले मेंबर रहेंगे, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर रहेगा। ओके, तो अगेन 7, 8, अभी देखिए यहाँ पे ये 9 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 9 और 10 गलत हो गया। तो इस तरह से आपका भी जो आपके मेंबर से आपको बीम नंबर आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस ही कंसिडर करने, क्योंकि इस तरह से थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे अभी 9 और 10 इस तरह से चाहिए सिक्वेंसली, लेकिन यहाँ पे 10 पहले आ गया और उसके बाद 9 आ गया। ये माइनर मिस्टेक से भी यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर कैलकुलेशन पे उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन मे बी आपका 9 जो होगा वो यहाँ पर रहेगा और 10 यहाँ पर रहेगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे 1, 2 इस तरह से आगे कुछ भी हो सकता है। ओके, जिस तरह से आपकी ज्योमेट्री रहेगी, तो आपको ये कंसिडर करते हुए प्रॉपरली कंसिडर करना है कि हम कौन सा मेंबर ले रहे हैं, जो आपके नंबरिंग है वो प्रॉपर है, और जो हमने बीम का जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसकी जो नंबरिंग होगी और आपने हम एक्चुअल जो कंसिडर करें वो नंबरिंग दोनों आपके सेम होनी चाहिए। ओके, तो ये जो 9, 10, 11 और 12 ये जो आपके 6 मेंबर्स ये आपके प्रिंसिपल राफ्टर है, तो अगेन उनके लिए हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव फोर्स कंसिडर कर दिया, मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कंसिडर किया। अगेन इसमें से जो ये 6 जो फोर्सेस है इसमें सबसे मैक्सिमम वाला हमने कॉम्प्रेसिव फोर्स कंसिडर कर दिया, अगेन इसमें से हमने सबसे मैक्सिमम वाला जो टेंसाइल फोर्स है वो कंसिडर कर दिया। सो फॉर द प्रिंसिपल राफ्टर आपका क्या हो गया, डिजाइन कॉम्प्रेसिव लोड हो गया आपका और डिजाइन टेंसाइल लोड आपको मिल गया। नेक्स्ट है आपका इंटरनल टाई मेंबर जो आपके रहेंगे। ओके, इंटरनल टाई मेंबर आपके क्या रहेंगे, ये आपका वर्टिकल वाले 13, 14, 15, 16 और 17, ये जो आपके वो इंटरनल टाई मेंबर है, तो इनके लिए भी हम डिजाइन करेंगे। ओके, तो जो भी आपके पर्टिकुलर 13, 14, 16, 17 इनमें हम जो लोड है वो कैलकुलेट करेंगे। अभी इनकी देखी जाए तो देखिए इसमें जो मैक्सिमम लोड आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है सिर्फ 10 किलोमीटर। अगर इस 15 को भी हम कंसिडर करें तो मैक्सिमम लोड जो आपका कंसिडर हो जाएगा वो 43 किलोमीटर हो जाएगा। तो अभी इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, 10 किलोमीटर और 43 किलोमीटर ऑब्वियसली डिफरेंस जो आपका वो बहुत ज्यादा है, मतलब ये इसके ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो 10 किलोमीटर मतलब जो पहले 4 मेंबर्स है आपके लिए, इसके लिए हम अलग से डिजाइन करेंगे। ओके, और ये जो आखिरी वाला 15वां जो आपका मेंबर है उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से डिजाइन करेंगे, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेंथ का गैप है, जो रिक्वायर्ड आपको स्ट्रेंथ लगने वाले है, फिर डिजाइन लोड जो आपका है वो आपका बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर अलग से कर रहे हैं। एज वेल एज ये जो आपका 15 नंबर वाला जो मेंबर है उसकी लेंथ भी आपकी कई गुना ज्यादा है। ओके, इसकी जो आपकी लेंथ थी सपोज आई थिंक ये 1, 2 और 3 ऐसी कुछ तो भी थी, मे बी आई डोंट श्योर, बट ठीक है, इसकी 1 मीटर है, इसकी 2 मीटर है, उसकी 3 मीटर है, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी आपकी 1 मीटर से बढ़ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से डिजाइन करेंगे, क्योंकि इसमें कॉम्प्रेशन में आपको थोड़ा सा अच्छा वाला प्रॉपरली मेंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ भी उसकी ज्यादा है। बट कम्पेयर टू दैट इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पर्टिकुलर मेंबर से 10 किलोमीटर का लोड है तो उसमें छोटा वाला मेंबर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो डिजाइन में हम इस तरह से चेंजेस करेंगे, ये जो आपका 13, 14, 16 और 17 ये वाले जो मेंबर है उनको हम अलग से डिजाइन करेंगे, और वो जो सेंट्रल वाला मेंबर है इसको हम अलग से डिजाइन करेंगे। अभी जो आपकी ट्रस होंगे, आपके जो लोड आएंगे उसके हिसाब से मे बी आपके यहाँ ऐसा ना हो। ओके, मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको अपने ट्रस के हिसाब से जो वो डिजाइन करना है कि ठीक है यहाँ पे मेरे मेंबर्स आ रहे हैं या नहीं, जो लोडिंग है वो आपको देखनी है कि ठीक है अगर मैं इन चारों मेंबर को भी कंसिडर करता हूँ तो इसमें लोडिंग का डिफरेंस, और जो यहाँ पे कुछ तो भी एक दो मेंबर्स अगर रहेंगे उसमें लोडिंग का डिफरेंस, अगर इन दोनों में लोडिंग का डिफरेंस ज्यादा नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, सबको एक ही कंसिडर कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो आपका लोडिंग का डिफरेंस आ गया, इसलिए हम अलग से डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर लोडिंग का डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो हम अगेन इन पांचों को भी एक सिंगल मेंबर एज ए डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मे बी आपका थोड़ा सा मे बी अलग रहेगा, आपके लोडिंग अलग आ जाएंगे, तो वो आपको कंसिडर प्रॉपरली करना है। उसके बाद इंटरनल टाई मेंबर मतलब इंटरनल टेंशन मेंबर आपके हो गए, उसके बाद इंटरनल कॉम्प्रेशन मेंबर जो आपके रहेंगे, ओके, उनके लिए आपको डिजाइन करना है, जो भी आपके ये 18, 19 हो गया, ये 20 और ये 21, इनमें जो आपके अभी ये जो चारों आपके पर्टिकुलर मेंबर है, देखिए इनमें जो लोडिंग का डिफरेंस है वो ज्यादा है, ये 31 है तो ये 24 है, तो मतलब ठीक है इससे मे बी अगेन 6 किलोन्यूटन जो आपका बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, फिर भी
ये ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं है ओके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन चारों के लिए एक ही अप्लाई कर सकते हैं कि ठीक है इन चारों में मैं एक ही लोड कंसिडर कर दूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 31 ओके। इसके लिए मैं अलग से डिजाइन नहीं करूंगा ओके। तो इंटरनल जो स्टार्ट मेंबर है आपके, वहां पे जो है आपके एक अभी जो आपका टाइप ऑफ द ट्रस होगा, टाइप ऑफ द लोडिंग होगी, उसके हिसाब से मे भी आपका आपको इंटरनल जो टाइम मेंबर है उसमें आपका डिफरेंस नहीं आएगा, मे भी आपका इंटरनल स्टार्ट मेंबर में आपका ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा ओके। तो आपको यही कंसिडर करना है कि दोनों में से आपको कहाँ पे एक्स्ट्रा डिजाइन प्रोवाइड करना है, मे बी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मे बी आपको टाइम मेंबर में प्रोवाइड करना पड़ेगा ओके, या फिर मे बी आपको प्रोवाइड ही नहीं करना पड़ेगा अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन लोडिंग में ओके। ये जो अभी चारों लोड है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मे बी सपोज यहाँ पे एक आधी लोड जो रहता वो आपका सपोज रहता 80 किलोन्यूटन ओके। तो ऑब्वियसली ये आपका बहुत ज्यादा लोड हुआ कंपेयर टू द इसमें मैक्सिमम जो 30 किलोमीटर के हिसाब से। तो फिर आपको उस जो 30 ये जो 80 किलोमीटर वाला जो आपका मेंबर रहता उसको आपको अलग से जो डिजाइन वो करना पड़ता, लेकिन आपको अभी यहाँ पे उस तरह से कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमने फोर्सेस कैलकुलेट कर दिए कि ठीक है हर एक जो आपके स्टार्ट मेंबर है उसके लिए डिजाइन कॉम्प्रेसिव लोड, डिजाइन टेंसाइल लोड आपने क्या कर दिए कंसिडर कर दिए। तो अभी आपको कौन से मेंबर डिजाइन करने हैं, एक जो है आपको वो प्रिंसिपल टायर जो आपको वो डिजाइन करना है, दूसरा आपको प्रिंसिपल राफ्टर जो आपको वो डिजाइन करना है, तीसरा जो है आपका जो इंटरनल टाइम मेंबर है डिजाइन करना है। इंटरनल टाइम मेंबर में क्या हो गया आपके दो आगे ओके, इंटरनल टाइम मेंबर 1 इंटरनल टाइम मेंबर 2 दो डिजाइन आगे, और चौथा वाला जो है आपका वो है आपका इंटरनल स्टड मेंबर ओके। तो इस तरह से हर एक मेंबर के लिए आपको क्या करना है कनेक्शन डिजाइन करना है, एज वेल एज जो सेक्शन है वो भी आपको चूज करना है कि ठीक है मैं यहाँ पे कौन सा सेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ, और एज वेल एज वहां पे मेरा कनेक्शन मतलब जो नंबर ऑफ बोल्ट्स है मुझे कितने प्रोवाइड करने ओके। तो हर एक का हम जो हर एक का अभी कैलकुलेशन के देखेंगे कि ठीक है कौन सी लोडिंग आपको किस तरह से कंसिडर करनी है, या फिर आपको डिजाइन लोड के हिसाब से किस तरह से आपको कैलकुलेशन जो है वो करना है। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट डिजाइन ऑफ द प्रिंसिपल राफ्टर, जो भी आपका प्रिंसिपल राफ्टर था उसका डिजाइन हम स्टार्टिंग में करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये कॉम्प्रेशन मेंबर है। 1, 2, 3 आपका पहले हमने क्या किया था टेंशन मेंबर कंसिडर किया था, उसके बाद आपका 7, 8, 9 जो थे आपके वो प्रिंसिपल राफ्टर, लेकिन ठीक है हम वहां से डिजाइन करेंगे क्योंकि कॉम्प्रेशन में डिजाइन आपको आगे सब कुछ जो वो करना है बताऊंगा मैं किस तरह से करना है। स्टार्टिंग विद द डिजाइन ऑफ द प्रिंसिपल राफ्टर, जो भी आपका प्रिंसिपल राफ्टर है उसके हम डिजाइन कंसिडर कर रहे हैं। अगेन वहां पे आपका जो प्रिंसिपल राफ्टर है उसका डिजाइन कॉम्प्रेसिव लोड था आपका 123.8 किलो न्यूटन, उसका डिजाइन टेंसाइल लोड था आपका 85.616 किलो न्यूटन, उसके बाद लेंथ ऑफ द राफ्टर पैनल जो थी आपकी वो थी आपकी 2.236 मीटर ओके। ये सबने हमने एनालिसिस कर दिया है, उस एनालिसिस के हिसाब से हमने मैक्सिमम लोड कंसिडर किया है, मैक्सिमम टेंसाइल लोड, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड हमने कंसिडर किया है, और लेंथ ऑफ द राफ्टर जो थी वो भी आपको डायरेक्टली स्टार्ट प्रोसेस जो है मिल चुकी है ओके। नाउ प्रिंसिपल राफ्टर और जो आपका टाइम मेंबर रहेगा उन दोनों में हम क्या करेंगे, उन दोनों में हम क्या करेंगे डबल एंगल सेक्शन जो आपको प्रोवाइड करने ओके। जो भी हम प्रिंसिपल राफ्टर होगा क्या रहता है आपका जो प्रिंसिपल राफ्टर रहेगा वो इस तरह से रहेगा, और इस ये जो आपका प्रिंसिपल ये जो आपका ट्रस है ओके, तो ये प्रिंसिपल राफ्टर आपका ये जो है वो आपका प्रिंसिपल राफ्टर रहेगा। इसको भी सपोर्ट करना है आपको, इसको जो है जो आपका यहाँ पे जो भी आपका जो भी आपकी रूफिंग मटेरियल आपका रहेगा, जो भी आपके सपोज एस्बेस्टस शीट होंगे या फिर जीआई शीट होंगे, उन शीट को यहाँ पर सपोर्ट करना है ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डबल एंगल प्रोवाइड करेंगे, और डबल एंगल किस तरह से प्रोवाइड करेंगे आप इनवर्सली प्रोवाइड करेंगे ओके। तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको प्लेन सरफेस जो है वो मिल जाएगा ओके। अगर हम डबल एंगल प्रोवाइड करते हैं इस तरह से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको प्लेन सरफेस मिल जाएगा, और इस प्लेन सरफेस के हिसाब से फिर मैं यहाँ पे जो भी आपके चैनल सेक्शन है वगैरह वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, सो दैट जो रूफिंग मटेरियल है उसको सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से अगर मैं मतलब मुझे टॉप पे क्या चाहिए प्लेन सरफेस चाहिए ओके, वो तो प्लेन सरफेस मिलने के क्या करूंगा मैं डबल एंगल सेक्शन प्रोवाइड करूंगा। सिमिलरली ये टाइम मेंबर है, टाइम मेंबर में मुझे क्या चाहिए बॉटम से जो है आपके वो सपोर्ट यहाँ पे जो है मेरा वो प्लेन मेंबर चाहिए, सो दैट यहाँ पे कुछ भी आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह होंगे वो मैं यहाँ पे चिपका सकता हूँ। बॉटम से अगर मुझे प्लेन मिलेगा तो फिर यहाँ पे मैं कुछ भी जो चीजें है जो भी मेरे यूसेज के जो भी आपके लगने वाली है यूटिलिटी पर्पज के लिए वो सब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इंस्टॉल कर सकता हूँ। सो इन केस ऑफ द ये जो आपका प्रिंसिपल टाइम राफ्टर रहेगा और ये आपका प्रिंसिपल टाइम मेंबर रहेगा, ये आपका वर्टिकल ये वाला इंक्लाइन वाला और ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला, इन दोनों में क्या करूंगा मैं डबल एंगल सेक्शन जो है प्रोवाइड करूंगा ओके। सो दैट
यहाँ पे टॉप पे मुझे प्लेन सरफेस मिलेगा और आफ्टर में और बॉटम पे मुझे प्लेन सरफेस मिलेगा इन केस ऑफ द। तो ठीक है, हमने प्रोवाइड कर दिया कि लेट अस प्रोवाइड डबल एंगल सेक्शन प्लेस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट, जो भी गसेट प्लेट है उसका अपोजिट साइड में हमने प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, नाउ जो आपकी गसेट प्लेट है उसकी थिकनेस हम कंसिडर करेंगे 10 mm और जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो उसको हमने एज्यूम कर दिया 100। ओके, अभी यहाँ पे 100 एज्यूम किया है, मे बी आप 110 एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 100 है आपको लेना है। अगर आपका लोडिंग ज्यादा रहता है तो हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर आपकी लेंथ ऑफ द राफ्टर ज्यादा रहती है लेकिन उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप लेंगे उतना सेफ आप होते जाएंगे। ओके, क्योंकि आपको फिर एरिया आप ज्यादा वाला लेंगे। ओके, तो ये जो स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पे 100 एज्यूम किया, मे बी आप 110 एज्यूम कर सकते हैं, 120 एज्यूम कर सकते हैं आपके हिसाब से है वो। अगर मे बी आपका मल्टीपल कैलकुलेशन करने के बाद भी अगर आपका सेफ नहीं हो रहा डिजाइन, ओके, तो हम क्या करेंगे उसको डायरेक्टली आपको यहाँ से कंसिडर करना है कि नहीं 110 लेंगे 120 लेंगे, सो दैट आपका जो डिजाइन वो सेफ होता जाए। ओके, अभी यहाँ पे हमने 100 लिया, तो अकॉर्डिंग टू द टेबल नंबर 9C जो आपको यूज करना है, टेबल नंबर 9C जो है, ओके, टेबल नंबर 9 से आपको मिलेगा एफसीडी और सी क्यू, क्योंकि आपका एंगल सेक्शन है तो एंगल सेक्शन आपके सभी एंगल सेक्शन जो रहते हैं वो रहते हैं क्लास सी के, बकलिंग क्लास उनका रहता है क्लास सी। देयरफॉर हम क्या करेंगे टेबल नंबर 9C यूज करेंगे, 9C क्यू, क्योंकि आपके जो बकलिंग क्लास है आपका जो रहेगा फॉर द एंगल सेक्शन बकलिंग क्लास विल बी इक्वल्स टू सी, जो भी आपके सभी एंगल कौन सा भी एंगल सेक्शन हो आपका उसके लिए आपका बकलिंग क्लास जो रहेगा वो सी रहता है, इसलिए 9C यूज करेंगे। फ्रॉम दैट अकॉर्डिंग टू दैट स्लेंडरनेस रेशियो 100 के लिए आपके पास एफसीडी इक्वल्स टू 107 है। ओके, तो अभी आपके पास मालूम है पीडी इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला है पीडी इक्वल्स टू दैट इज द डिजाइन कॉम्प्रेसिव लोड विल बी इक्वल्स टू इफेक्टिव एरिया टाइम्स एफसीडी। ओके, तो अभी अगर आपके पास हम पीडी को कंसिडर करते हैं, जो भी आपका डिजाइन लोड होगा 123। ओके, एफसीडी आपके पास हमने कंसिडर किया है कि एफसीडी आपका 107 है, तो उससे हम क्या करेंगे एरिया जो है वो रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही उन्होंने किया, जो भी आपका एरिया रहेगा वो रिक्वायर्ड हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू यही आपका जो लोड है 123.80 किलोन्यूटन है, उसको हमने न्यूटन में कंसिडर किया, इसलिए मल्टी टाइम्स बाय 1000 डिवाइडेड बाय जो भी आपका एफसीडी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, एफसीडी आपका 107 है, तो इससे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल्स टू 1157 mm स्क्वायर। मतलब जो दो एंगल सेक्शन है आपके उन दोनों का एरिया मिला के जो आपका है वो आना चाहिए 1157 mm स्क्वायर, मतलब इससे ज्यादा आना चाहिए। ओके, जब हम कंसिडर करते हैं कि स्लेंडरनेस जो आपका 100 है। सिमिलरली जो आपका पर्टिकुलर मेंबर है उसका इफेक्टिव लेंथ जो आपका रहेगा, इफेक्टिव लेंथ अगर हम क्या करेंगे बोथ साइड हिंज कंसिडर करेंगे, बोथ एंड्स जो आप करेंगे पूरा जो आपका डिजाइन रहेगा पूरे के पूरे जो आपके मेंबर से उसको हम करेंगे बोथ साइड हिंज। ओके, बोथ एंड जो आपके रहेंगे वो आपके हिंज हम कंसिडर करने वाले, तो जो भी आपके पर्टिकुलर मेंबर होंगे उसमें इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल्स टू KL, KL विल बी इक्वल्स टू 1.0L। ओके, तो 1.0L तो ये 1 है बट टाइम्स आपका L जो आपका ओरिजिनल लेंथ है आपके 2.236, तो इफेक्टिव लेंथ भी आपके आगे 2.236। ओके, नेक्स्ट अभी क्रॉस सेक्शन एरिया हमने 1157 कैलकुलेट कर दिया, उसके हिसाब से आपको क्या करना है सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, तो हमने चलो हम ट्राई करके देखते हैं, अनइक्वल एंगल सेक्शन ISA 70/45/6 mm, ये जो वेट है वो लिखना आपको नहीं भूलना चाहिए, वेट इंपॉर्टेंट रहता है, उसके हिसाब से आपको कंसिडर करना है। ओके, तो हमने ISA 70/45/6 mm कंसिडर किया एट 5.2 kg/m और दोनों आपको क्या करने बैक टू बैक ऑन द गसेट प्लेट इंस्टॉल करने हैं। ओके, सो फॉर दैट एरिया ऑफ द इस सेक्शन विल बी इक्वल टू एरिया जो है आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन का, एक एंगल सेक्शन का एरिया आपके पास 656, तो दो एंगल सेक्शन का आपका एरिया हो गया आपका 1312। ओके, आपको क्या करना है इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, जो भी एरिया आपका आएगा उससे ज्यादा वाला एंगल सेक्शन जो आपको वो सिलेक्ट करना है। ओके, अभी यहाँ पे हम अनइक्वल एंगल सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आपको अगर डबल एंगल सेक्शन है तो उसमें हम अनइक्वल एंगल सेक्शन कंसिडर करेंगे, जब आपका सिंगल एंगल सेक्शन रहेगा तो उसमें क्या करेंगे हम इक्वल एंगल सेक्शन जो है वो कंसिडर करेंगे। ओके, तो जो आपके ये राफ्टर होगा और ये टाई होगा उसके लिए आपका करेंगे अनइक्वल एंगल सेक्शन, और जो आपके इंटरनल मेंबर होंगे उसके लिए हम करेंगे इक्वल एंगल सेक्शन। तो ठीक है, मेरा यहाँ पे हो गया कि ठीक है एरिया जो मेरा वो 1312 आ गया, एक्चुअली रिक्वायर्ड एरिया था 1157, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा है, तो ठीक है मैं डिजाइन को मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो ठीक है, हम अभी सेक्शन हमने सिलेक्ट कर दिया, अभी हम उस सेक्शन को चेक करेंगे कि वो सेक्शन अपना कंप्रेसिव लोड जो है वो कैरी कर सकता है या
नहीं करेंगे। स्टार्टिंग विद फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द जो भी हमारा सेक्शन था उसके फ्यू प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। एरिया तो हमने कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद आर जेड और आर वाई आपको लगेगा। तो आर जेड जो है या फिर स्टील टेबल में आपको ये आर एक्स कंसिडर किया जाएगा। तो आर एक्स या फिर आर जेड जो आपका वो 22.1 mm है, और आर वाई जो है आपको वो आपको अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके जो थोड़ा हम आर वाई जो आपका वो सिंगल मेंबर के लिए आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके तो आई सपोज एंगल सेक्शन इस तरह से अगर आपका रहता है तो इसका जो एक्स एक्स एक्सिस है वो चेंज नहीं होने वाला। ओके तो इसलिए आर जेड जो आपका वो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि आई की वैल्यू सेम रहने वाली है, एरिया की वैल्यू सेम रहने वाली। लेकिन जो आपका वाई वाई एक्सिस है फॉर सिंगल मेंबर, वाई वाई एक्सिस आपका इस कुछ तरह से इस तरह से रहेगा, और जो दोनों सेक्शन है उसके लिए वाई वाई एक्सिस आपका कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे कुछ तो भी डिस्टेंस आ जाएगा, तो जो आर वाई वाई जो आपका रहने वाला है वो आपका चेंज होने वाला है। तो इसलिए आपको जब यहाँ पे आर जेड की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन आर वाई की वैल्यू क्या करेंगे आपको फिर से एक बार कैलकुलेट जो है वो करनी पड़ेगी। तो जो आपका आर वाई वाई जो रहता है या फिर रेडियस ऑफ द गायरेक्शन जो आपका रहता है, रेडियस ऑफ द गायरेक्शन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एरिया रहता है। ओके तो हम क्या करेंगे, आई वाई वाई कैलकुलेट करेंगे और डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर वाई आपको मिल जाएगा। ओके तो आर वाई वाई क्या रहेंगे, अभी आपका एक सिंगल सेक्शन नहीं, आपको दोनों सेक्शन के लिए कंसिडर करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बताता है टोटल सेक्शन के लिए आई एक्स एक्स या फिर आई वाई वाई विल बी इक्वल्स टू जो सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए आपका आई जी है। ओके मतलब जो आपका ये स्टील टेबल है, स्टील टेबल में जो आपकी वैल्यू है, ओके स्टील टेबल में जो आपकी वैल्यू हो वो कंसिडर करनी है, प्लस ए स्क्वायर, ए रहेगा आपका एरिया, ओके एच रहेगा आपका इन दोनों जो आपके पर्टिकुलर सेक्शन है, इन दोनों के सेक्शन का जो आपका एक्सिस है उन दोनों एक्सिस में का डिफरेंस। ओके तो यहाँ पे आई जी तो हमने डायरेक्टली स्टील टेबल में से ये जो हमने कंसिडर कर दिया कि आई वाई वाई आपके पास कितना है। ओके आई वाई वाई ऑफ द सेक्शन, हमारा जो भी सेक्शन था उसका आई वाई वाई हमने कंसिडर कर दिया, प्लस ये आपका एरिया सिंगल सेक्शन का एरिया आपके पास 656 टाइम्स एच, एच जो आपका रहेगा सपोज ये आपका चैनल सेक्शन है इस तरह से। ओके ये आपकी क्या है, ये आपकी गसेट प्लेट है आपकी यहाँ पे। ओके तो इस चैनल सेक्शन का वाई वाई एक्सिस जो आपका वो किस इस तरह से, और ये जो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे दूसरा चैनल सेक्शन हमने प्रोवाइड एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर दिया सॉरी, तो इस पूरे सेक्शन का आपका जो वाई वाई एक्सिस है ये आपका इस तरह से। ओके तो एच डिस्टेंस क्या रहता है आपका, इन दोनों एक्सिस में का जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा दैट इज योर, ये आपका रहता है एच। ओके तो दिस पर्टिकुलर एच विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास नोन है, दिस इज योर सी वाई वाई। ओके ये जो आपके पास सी वाई वाई आपके पास है, और ये जो आपका डिस्टेंस रहेगा आपका दिस विल बी इक्वल्स टू जो भी आपकी गसेट प्लेट होंगी, गसेट प्लेट डिवाइडेड बाय टू। ओके तो गसेट प्लेट है आपकी 10 एम एम के हमने प्रोवाइड कर दिया, 10 एम एम डिवाइडेड बाय टू दैट विल बी इक्वल्स टू 5। और ओके और ये जो आपका सी वाई वाई है इसकी वैल्यू आपको स्टील टेबल से मिल जाएंगे, सी वाई वाई की वैल्यू आपके पास 10.9 और गसेट प्लेट की वैल्यू आपके पास 5। ओके तो एच डिस्टेंस जो आपको वो मिल जाएगा, एच डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू आपका क्या रहेगा, सी वाई वाई प्लस गसेट प्लेट जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं गसेट प्लेट डिवाइडेड बाय टू। तो सी वाई वाई आपके पास 10.9 और गसेट प्लेट जो आपकी वो है आपकी 10 डिवाइडेड बाय हमने 2 कर दिया दैट विल बी इक्वल्स टू ये आपका आ गया 5। ओके सो 10.9 प्लस 5 हमने कंसिडर किया, तो वही हमने यहाँ पे एच की वैल्यू कंसिडर कर दिए 10.9 प्लस आपका 5। ओके और ये आपका आई, ये आपका एरिया, और इस पूरे वैल्यू को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। ये 2 क्यों किया आपने, क्योंकि यहाँ पे आपके दो एंगल सेक्शन है। ओके जो आपके पर्टिकुलर सेक्शन है वो दो एंगल है, इसलिए हमने क्या कंसिडर कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली 2 टाइम्स जो हमने वो मल्टीप्लाई कर दिया। ओके तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन कर दिया, उसके बाद आपको आई वाई वाई जो मिलेगा ये कुछ वैल्यू आपको आई वाई वाई की जो वो मिल गई। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है आई वाई वाई डिवाइडेड बाय एरिया सो दैट विल गिव अस आर वाई। ओके तो यही कंसिडर हम करेंगे। सो आर वाई वाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वाई वाई डिवाइडेड बाय एरिया। तो आई वाई वाई आपके पास है, ओके आई वाई वाई अभी हमने कैलकुलेट किया, एरिया आपके पास अभी यहाँ पे एरिया आपको दोनों सेक्शन का लेना है। ओके यहाँ पे भी हमने दो सेक्शन से मल्टीप्लाई किया था, दो एंगल थे इसके, तो एरिया भी आपको यहाँ पे दोनों सेक्शन का लेना है। दैट विल गिव अस द आर वाई वाई की वैल्यू आपको मिल गई 20.244। ओके और आर जेड की वैल्यू आपके पास है 22.1। ओके तो आर मिनिमम अगर हम कंसिडर करते तो आर मिनिमम विल बी इक्वल टू आपका आर वाई वाई हो जाएगा। ओके हमको क्या करना है, आर मिनिमम ही कंसिडर करना है इसमें, तो के एल बाय आर मिनिमम से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे आर मिनिमम विल बी इक्वल टू 20.244 दैट इज आर वाई वाई। ओके तो आर मिनिमम विल बी इक्वल टू आर वाई
इक्वल्स टू 20.444 mm. उसके बाद क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो आपका जो रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू LY डिवाइडेड बाय RY. LZ और LY आपके दोनों सेम ही है, तो इफेक्टिव लेंथ आपके पास है 2236 डिवाइडेड बाय, हमने R मिनिमम कंसीडर किया, R मिनिमम जो आपका वो 20.244 आया, दैट विल गिव अस द क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो एज अ 109.37 फॉर दैट पर्टिकुलर स्लेंडरनेस रेशियो. एंड FY आपका है 250 और बकलिंग क्लास है आपका C. इसके लिए हमने डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हमने कंसीडर किया फ्रॉम टेबल नंबर 9C, वो आपका आ गया 95.381. ओके, अगेन PD विल बी इक्वल्स टू PD जो आपका रहेगा डिजाइन अपना लोड कितना आपका आ गया, डिजाइन कॉम्प्रेसिव लोड विल बी इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय FCD. तो एरिया आपके पास है 1312, FCD आपके पास है 95, तो ये आपका लोड जो आपका आ गया, ये पर्टिकुलर सेक्शन कितना कॉम्प्रेसिव लोड कैरी कर सकता है, 125.139 किलोन्यूटन. ये कितना था आपका, 123 रिक्वायर्ड था आपका, यहाँ पे अवेलेबल कितना आ गया आपका 125. तो ऑब्वियसली हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो आपका क्या हो गया, सेफ हो गया. ओके, ये आपका रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा आपका आना चाहिए, 125 आ गया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ही ज्यादा आ गया, तो मे बी आप सेक्शन थोड़ा सा स्टार्ट, तो ये क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर आप ये थोड़ा एकदम कॉर्नर पे आ गया तो मे बी यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं सेक्शन, सो दैट ये जो आपका प्रॉपरली आ जाए. ओके, अगर आपका सेक्शन अगर आपका हर बार फेल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, गसेट ब्लेड की थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हैं, सो दैट आर वाई की वैल्यू आपको ज्यादा आ जाएंगी और इस तरह से कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा. ओके, हर बार दोबारा सेक्शन डिजाइन करने के बजाय जो गसेट ब्लेड है उसकी साइज भी हम 10 mm से लेके 12 mm कंसिडर कर सकते हैं और उससे भी आप रीडिजाइन कर सकते हैं. तो ये जो आपका आ गया, सेफ आ गया. तो कॉम्प्रेशन में हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो हमने डिजाइन कर दिया और वो आपका सेफ भी आ गया. नेक्स्ट है आपका यही सेक्शन जो आपको डिजाइन करना है, नहीं चेक करना है आपको फॉर द टेंसाइल. ओके, लोड 123 आपका कॉम्प्रेसिव लोड से कैरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल ऑफ द फोर्सेस, कभी आपके पास कॉम्प्रेसिव आ रहा है, कभी आपके पास टेंसाइल आ रहा है, तो टेंशन में जो टेंशन का भी फोर्स उसने कैरी करना चाहिए. ओके, तो टेंशन का फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ग्रॉस यील्डिंग से हम कैलकुलेट करते हैं. तो ग्रॉस यील्डिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन ड्यू टू द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग दैट विल बी इक्वल्स टू TDG. TDG का फार्मूला आपके पास है FY मल्टीप्लाइड बाय AG. ओके, FY मल्टीप्लाइड बाय आपका ग्रॉस एरिया डिवाइडेड बाय गामा M0. FY आपके पास है 251.1, आपके पास गामा M0 है, और ये जो आपका AG ग्रॉस एरिया ऑफ द दोनों जो सेक्शंस आपके रहेंगे, दो एंगल सेक्शन है, दोनों एंगल सेक्शन का एरिया, तो वो आपका लोड निकल के आ गया 298.18 किलोमीटर. आपका लोड एक्चुअली लोड कितना आ रहा है, टेंशन लोड आपका सिर्फ 85 आ रहा है, ये आपका ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इन सेफ है. मेन आपका क्या है, कॉम्प्रेसिव मेंबर, तो कॉम्प्रेसिव में वो कैरी करना चाहिए, कॉम्प्रेसिव में वो एकदम जो पॉइंट पे 123 और हमारा 125 आया, तो ठीक है, इसमें ज्यादा भी आगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि ओवर सेफ है आपका, यहाँ पे रिवर्सल ऑफ द फोर्सेस कंसिडर करें, तो इसलिए कॉम्प्रेसिव में भी उसने कैरी करना चाहिए, टेंशन में अगर आपका ज्यादा भी आ जाता है, सपोज 85 है, यहाँ पे आ गया आपका ऑलमोस्ट 3 times आ गया आपका, तो ये चलता है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं कि ओवर सेफ वगैरह नहीं है. तो कॉम्प्रेशन में देखेंगे आपको प्रॉपरली सेफ आपका रहेगा, उसमें वो ओवर सेफ नहीं है, तो इसलिए इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं. ओके, तो हमने चेक कर दिया कि ठीक है, डिजाइन तो हमने कर दिया, उसके बाद हमने चेक भी कर दिया लोड, तो वो जो सेक्शन है हमारा प्रॉपर तरीके से कैरी कर रहा है. उसके बाद अभी आपको करना है जो कनेक्शन है उसका डिजाइन, ठीक है, वहां पे आपको जो बोल्ट प्रोवाइड करने वाला है वो नंबर ऑफ बोल्ट्स आपको कितने लगने वाले हैं वो आपको कंसीडर करना है. ओके, सो फर्स्ट कनेक्शन डिजाइन हम करेंगे कंसीडरिंग 16 mm 4.6 ग्रेड ऑफ द बोल्ट्स. ओके, 4.6 ग्रेड के हम बोल्ट कंसीडर कर रहे हैं और उनका डायमीटर ऑफ द बोल्ट हम रहेंगे 16 mm. आपको भी 16 mm ही लेना है. ओके, सो दैट नंबर ऑफ बोल्ट्स आपके थोड़े से ज्यादा आ जाए, एक्चुअली साइड में आप 20 mm नंबर ऑफ बोल्ट्स हम कम करते हैं साइड में, लेकिन अभी आपको जो शीट वगैरह कैलकुलेट करना है, तो अगर आप साइड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 20 mm डायमीटर ऑफ द बोल्ट थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे हम, सो दैट नंबर ऑफ बोल्ट्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे. लेकिन अभी हम डिजाइन प्रॉपर हम क्या करें, एकेडमिक पॉइंट ऑफ द व्यू देख रहे थे, एकेडमिक पॉइंट ऑफ द व्यू आपके नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या रहेंगे, थोड़े से चेंज होने चाहिए, कहीं पे 4 आने चाहिए, कहीं पे 2 आने चाहिए, सो दैट आपको प्रॉपरली शो करके आएंगे, ठीक है, डिफरेंस आपको. नहीं तो हर बार अगर हम दो प्रोवाइड कर देंगे हर जगह, तो फिर वो कुछ उसकी वैल्यू नहीं रहेंगे डिजाइन की. ओके, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 16 mm बोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कुछ जगह आपके ज्यादा नंबर ऑफ बोल्ट है, कुछ जगह आपके कम नंबर ऑफ बोल्ट है. ओके, तो कनेक्शन डिजाइन हम कर रहे हैं यूजिंग 16 mm बोल्ट, 4.6 ग्रेड आपके बोल्ट है 16 mm के, फॉर दैट डायमीटर ऑफ द बोल्ट विल बी इक्वल टू 16 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 18 mm. ओके, अभी
सेक्शन जो आपके वो कनेक्ट करने हैं आपके 10 mm थिक गसेट प्लेट से, और डबल एंगल सेक्शन है आपका 6 mm का। ओके तो अगेन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल शेयर जो आपका वो रहेगा, एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेंबर जो आपकी रहेंगी वो हम कंसिडर करेंगे। जो जहां पे आपको थिकनेस ऑफ द मेंबर लेंगे, थिकनेस विल बी इक्वल टू ये आपका एक एंगल सेक्शन है, गसेट प्लेट है आपकी, उसके बाद ये आपका दूसरा एंगल सेक्शन है। ओके तो अभी इसकी जो आपकी रहेंगी इसकी थिकनेस हम लेंगे 10 mm और इन दोनों की 6 + 6 दैट विल बी इक्वल टू 12 mm, तो मिनिमम थिकनेस विल बी इक्वल टू 10 mm। जिस तरह से हमने जो आपका इस तरह से मेंबर रहता था, देखो बट जॉइंट रहता था आपका, यहाँ पे दो कवर प्लेट रहती थी, तो हम क्या करते थे इन दोनों कवर प्लेट को ऐड करते थे। तो सपोज कवर प्लेट है 6 mm की, ये 6 mm की है, तो दोनों हम कंसिडर करते थे 12 mm का, और सपोज ये 18 mm का है तो इस तरह से कंसिडर, ये 6 6 6 और 18 इन दोनों में से जो मिनिमम है वो कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही कंसिडर किया, ये आपका है 6 mm का, ये आपका है 6 mm का, और इंटरनल जो आपके 10 mm की, तो ये 6 और 6 12 हो गए और ये 10, तो मिनिमम थिकनेस मिनिमम विल बी इक्वल टू आपकी क्या होगी आपकी 10 mm फॉर द डिजाइन ऑफ द बोल्ट। ओके जब भी हम बोल्ट का डिजाइन करेंगे उसके लिए आपको इस तरह से कंसिडर करना है। ओके नेक्स्ट ये तो हो गया आपका, उसके बाद डिजाइन फोर्स आपका 123 किलोन्यूटन के लिए आपको नंबर ऑफ बोल्ट जो है कैलकुलेट करने होंगे। ओके नंबर ऑफ बोल्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट विल बी इक्वल टू लोड जो आपका टोटल आने वाला है डिवाइडेड बाय हम करेंगे बोल्ट वैल्यू मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन द शेयर और स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन द बेयरिंग, इन दोनों में से जो मिनिमम रहेंगे वो वैल्यू जो हम कंसिडर करने वाले। ओके तो वही हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन द शेयर जो आपका रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक्शन विल बी इन द डबल शेयर, और हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि बोथ शेयर प्लेन जो है वो कटिंग थ्रू द थ्रेडेड सेक्शन। ओके जो भी आपके शेयर प्लेन रहेंगे वो दोनों के दोनों आपके थ्रेडेड पोर्शन ही आपको कंसिडर करने हैं, सो दैट वो आपका क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा। ओके तो ठीक है, डबल शेयर आपका किस तरह से रहेंगे, देखिए आपके तीन मेंबर्स आपके आ जाएंगे। ओके यहाँ पे आपका एक एंगल सेक्शन हो गया, ओके उसके बाद ये आपकी गसेट प्लेट होगी, उसके बाद अगेन आपका क्या रहेगा आपका एंगल सेक्शन आ गया। ओके तो इस तरह से अगर मैं बोल्ट प्रोवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे ये दो शेयर प्लेन आपके यहाँ पे एक शेयर प्लेन आ जाएगा और यहाँ पे आपका एक दूसरा शेयर प्लेन आ जाएगा। ओके तो आपके दो शेयर प्लेन यहाँ पे आपको कंसिडर हो जाएंगे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा आपका डबल शेयर आ जाएगा। जो आपका डबल कवर बर्ड ज्वाइंट था उसी तरह से आपको इसका डिजाइन जो होगा डबल शेयर आपका आ जाएगा। ओके तो नेक्स्ट दोनों हम क्या कर रहे हैं शेयर प्लेन आर कटिंग थ्रू थ्रेड पोर्शन, तो एन एल विल बी इक्वल टू दैट इज द नंबर ऑफ शेयर प्लेन कटिंग थ्रू थ्रेड पोर्शन विल बी इक्वल टू 2, ए एन बी विल इक्वल टू 0.78 ए एस बी, और ए एस बी आपका है पाई बाय 4 मल्टी टाइम 16 का स्क्वायर, तो ए एन बी आपका आ गया 156। ओके बी डी एस बी का फॉर्मूला आपके पास है, एफ यू बी आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, एफ यू बी बोल्ट आपका 4.6 ग्रेड है, इसलिए एफ यू बी विल बी इक्वल टू 400 टाइम्स आपका NN will be equals to 2, ANB will be equals to 156.83 root 3, gamma MB जो आपका वो हम consider करेंगे, जो भी आपके bolted हैं वो आपके कहाँ पे भी आपके shop bolt हो या फिर side पे हो दोनों जगह आपका gamma MB will be equals to 1.25। ओके इससे आपको एक particular bolt की value bolt की strength आ गई in the shear 57.95 kN। similarly स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हम बेयरिंग में कैलकुलेट करेंगे, अभी ये बहुत बार हम कर चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन शेयर, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बेयरिंग, तो ये दोबारा मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है। ओके तो यहाँ पे हमने पिच ऑफ द बोल्ट कंसिडर कर दिया 40 mm, एज डिस्टेंस कंसिडर कर दिया 30 mm, अगेन ये किस तरह से पिच ऑफ द बोल्ट विल बी इक्वल टू 2.5 टाइम्स आपका जो बोल्ट जो है उसका डायमीटर जो है आपका, तो बोल्ट डायमीटर है आपका 16 mm, और ये आपका एंड एज डिस्टेंस रहेगा 1.5 टाइम्स आपका बोल्ट होल जो आपका रहेगा दैट इज 18। ओके तो ये आपका आई थिंक प्रॉपरली 60 ही आता है। ओके और ये जो आपका आता है ये आता है आपका 27, तो उसको हमने 30 अजम कर दिया। ओके तो पिच डिस्टेंस हमने 40 mm, एज डिस्टेंस 30 mm, उसके बाद केबी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, केबी आपका रहेगा मिनिमम ऑफ द ई बाय 3D0। ओके जो आपका पी बाय ये जो आप ये कैलकुलेशन हर बार कर चुके, तो अगेन फिर से एक बार वही कैलकुलेशन हमने किया, इन सब में से जो आपका मिनिमम रहेगा दैट विल बी केबी, तो केबी की वैल्यू आपकी किस में से मिनिमम रहेंगी, ये आपका 0.55 है, आपका 0.6766 है, आपका 0.971 और ये 1, इन चारों में से आपकी जो मिनिमम रहेंगी, तो मिनिमम आपका है ये वाला आपका जो है मिनिमम में, तो केबी विल बी इक्वल टू 0.555। ओके उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन द बेयरिंग। ओके तो ये आपके पास फॉर्मूला है 2.5 टाइम्स केबी मल्टी टाइम्स डी मल्टीप्लाइड बाय टी। ओके डी विल बी योर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, डायमीटर ऑफ द बोल्ट आपके पास 16 है, और टी हमने दिखा था कि मिनिमम थिकनेस आपकी 10 mm है।
ओके, हमने पिछले इसमें कंसीडर किया कि दो मिनिमम थिकनेस है, आपको कंसीडर क्या करनी है। एफ यू आपके पास है 410, गामा एम भी आपके पास है 1.25, तो इससे आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन द बीयरिंग आपकी आ जाती है 72.82 किलो न्यूटन। ओके, और ये आपका है 57, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या आपकी, ऑब्वियसली ये मिनिमम वैल्यू है, तो देयरफॉर यही आपकी क्या हो जाएंगी, बोल्ट वैल्यू आपकी जो है वो वही हो जाएंगे। तो बोल्ट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 57.97 किलो न्यूटन। तो अगेन नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करने आपके, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कनेक्शन विल बी इक्वल्स टू जो लोड होगा, लोड डिवाइडेड बाय आपका बोल्ट वैल्यू। तो लोड आपके पास था, मैक्सिमम लोड था आपके पास 120, जो प्रिंसिपल एडाप्टर है इसमें लोड था आपका 123.80 डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू 57.95, ये आपके बोल्ट आ गए 2.136। तो इसको हमने आगे बढ़ा लिया, थ्री नंबर ऑफ बोल्ट हम कंसिडर करने वाले। ओके, सो प्रोवाइड 360 mm डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स अपग्रेड 4.6 फॉर द कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपका डिजाइन जो है वो एंड हो गया फॉर द प्रिंसिपल राफ्टर। हमने क्या किया दिया, सबसे पहले कॉम्प्रेसिव लोड लिया, कॉम्प्रेसिव लोड के लिए डिजाइन हमने कंसिडर किया, फिर उसको चेक कर दिया कि कॉम्प्रेसिव में वो सेफ है या नहीं। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको चेक कर दिया कि ठीक वो लोडिंग जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है फॉर वो टेंसाइल में जो है वो टेंशन जो आपका लोड आ रहा है उसमें वो कैरी कर सकता है नहीं। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, जो कनेक्शन है उसका डिजाइन कर दिया, नंबर ऑफ बोल्ट जो हमने वो कैलकुलेट कर दिया। ओके, तो इस तरह से आपका डिजाइन ऑफ द प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिजाइन ऑफ द प्रिंसिपल टाई। ओके, जो आपका प्रिंसिपल टाई मेंबर होगा उसके लिए हम डिजाइन करने वाले हैं। अगेन जो आपका डिजाइन टेंसाइल लोड फॉर द प्रिंसिपल टाई है आपका 110, डिजाइन कॉम्प्रेसिव लोड फॉर द प्रिंसिपल टाई है आपका 70.033। ओके, और लेंथ ऑफ द टाई पैनल जो आपके वो है आपके 2 meters। ओके, नाउ ये जो आपका मेंबर है वो रिवर्सल ऑफ द फोर्सेस के रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेसेस यहाँ पे आने वाले हैं। मतलब कभी आपके पास कॉम्प्रेसिव लोड होगा, कभी आपके पास टेंसाइल लोड होगा। ओके, रिवर्सल ऑफ द फोर्सेस आने वाले हैं। ओके, सो आपको पता है कि जो आपका स्टील है, ओके, जो आपका स्टील है वो बेस्ट है इन द टेंशन। ओके, टेंशन में उसकी कैपेसिटी क्या है, बहुत अच्छी है। ओके, मतलब इवन लो वाला सेक्शन जो है वो बहुत अच्छा लोड कैरी कर सकता है। बट ये जो आपका स्टील मेंबर से वो बकलिंग में जो है उनकी कैपेसिटी जो आपकी वो कम है। ओके, सो अगर आपको पूछा जाए कि ठीक है हमारा जो सेक्शन है वो किसमें स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है, किसमें स्ट्रेंथ कम है, तो हम बोलेंगे कि स्टील इज वेरी बेटर इन द टेंशन। टेंशन में वो अच्छा लोड कैरी कर सकता है, बट इन केस ऑफ द बकलिंग, ओके, नॉट कॉम्प्रेसिव लोड, इंस्टेंट बकलिंग में अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो लोड कैरी नहीं कर सकता। ओके, बकलिंग मतलब क्या, सेक्शन जो हमारा वो स्टील उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन उसकी लेंथ अगर ज्यादा है और उसके अदर डायमेंशन अगर कम रहते तो वो क्या हो जाता है, बकल हो जाता है जल्दी। तो स्टील जो आपका बहुत जल्दी बकल हो जाता है, इसलिए उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपकी वो रिड्यूस हो जाती है। तो इवन अगर आपका सेक्शन अगर आपका ज्यादा वाला रहेगा, स्टील उसकी टेंशन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहेंगे लेकिन कॉम्प्रेसिव की बहुत कम रहेंगे। प्रीवियसली सेक्शन हमने अभी डिजाइन किया उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी सिर्फ 125 आई, वहीं पर उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपकी 298 आती थी। ओके, तो इससे ये साबित नहीं होता कि हमारा जो स्टील है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम है, रादर ये जो आपका स्टील है उसकी बकलिंग स्ट्रेंथ जो आपकी वो कम है। ओके, अगर हम दोनों को अगर 150 by 150 by 150 अगर हम क्यूब कंसिडर करेंगे और उसको कॉम्प्रेस करेंगे तो उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा ही आने वाली है स्टील की। लेकिन अगर उसको हम एक एंगल सेक्शन या फिर इस तरह से कुछ सेक्शन में अगर डिवाइड करते हैं तो उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वो जो है वो बहुत जल्दी बकल हो जाता है। ओके, देयरफॉर ये जो आपकी वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ थी ये आपकी थी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमारा जो स्टील है इट इज जो स्टील है आपका वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में आपका वीक नहीं है बट रैदर इट इज वीक इन द बकलिंग। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो यही आपको इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉम्प्रेसिव के लिए ही डिजाइन करेंगे और कॉम्प्रेसिव के लिए ही चेक करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे टेंशन के लिए चेक करेंगे। कौन सा मेंबर हो आपका, टेंशन मेंबर हो, टाई मेंबर मतलब टेंशन मेंबर रहता है, स्ट्रेट मतलब कॉम्प्रेशन रहता है, राफ्टर मतलब कॉम्प्रेशन में रहता है, इन सभी के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्रेसिव के लिए ही हम क्या करेंगे डिजाइन करेंगे और उसको फिर टेंसाइल के लिए हम चेक देंगे। ओके, क्योंकि कॉम्प्रेसिव आपका क्रिटिकल रहता है। तो इसी तरह से हम प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेशन किया उसी को फॉलो आपको करना है। यहाँ पे अगेन डबल एंगल सेक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया, अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट हमने प्रोवाइड कर दिया, एज़्यूम द थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट इज 8 mm। अगेन स्टैंडर्डनेस रेशियो भी हमने हमें थोड़ा सा बढ़ा दिया, स्टैंडर्डनेस रेशियो हमने 110 कंसीडर कर दिया। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमारा जो कैलकुलेशन आया था वो आपका एक्चुअली स्टैंडर्डनेस रेशियो आपका 109 point something आया था, तो हमने वहां पे जो एरिया था वो मे भी जल्दी बढ़ा दिया, इसलिए आपका थोड़ा सा डॉट हम बच गया। अगर वहां पे एरिया हम कम लेते थे
ओके हमने 200 mm ज्यादा लिया, एरिया अगर हम वहां पे कम लेते थे तो क्या हो जाता था, आपका फेल हो जाता, फिर आपसे रीडिजाइन करना पड़ता था। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेंटरनेस रेशियो थोड़ा सा बढ़ा ही दिया, 100 के बजाय हमने 110 ले लिया। ओके सो अकॉर्डिंग टू दैट अगेन टेबल नंबर 9 सी आपके पास है, एंगल सेक्शन है आपका, तो देयरफॉर बकलिंग क्लास सी रहेगा। टेबल नंबर 9 से आपको एफसीडी मिल जाएगा 9C से। ओके तो वहां से आपको एफसीडी मिल गया 94.6। अगेन इफेक्टिव लेंथ आपकी सेम रहेंगी। ओके दोनों एंड आपके हम हिंज ही कंसिडर करने वाले हैं, तो अगेन इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल्स टू 1L। तो यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ द टाई पैनल जो आपका वो 2 मीटर है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड अगेन क्या हो जाएगा आपका, लोड लोड डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा एफसीडी। ओके लोड आपका कॉम्प्रेसिव लोड जो आपका यहाँ पे, अभी मैक्सिमम लोड नहीं लिया हमने क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेसिव लोड आपको कंसिडर करना है, तो कॉम्प्रेसिव लोड जो आपका वो 17.4033 हो। याद रखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोड नहीं ले रहे हम, इसमें ये जो आपका लोड है दिस इज योर कॉम्प्रेसिव लोड। ओके क्योंकि हम क्या करेंगे एफसीडी मतलब हम क्या करेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ का आपका लोड जो होगा वो भी आपका कॉम्प्रेसिव वाला ही लोड रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया लेट्स ट्राई टू अनइक्वल एंगल सेक्शन। ओके अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉम्प्रेसिव लोड है उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना है, तो हमने एरिया कैलकुलेट किया। फ्रॉम दैट एरिया वी आर कैलकुलेटेड द वी आर सेलेक्टेड टू सेक्शन एज ISA 60x40x5 कनेक्टेड बैक टू बैक एट 3.7 kg/m। ओके तो सिंगल एंगल सेक्शन का एरिया आपका 476 मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 952 mm². ओके और एक्चुअल में एरिया आपको जो रिक्वायर्ड था वो था आपको 740। ओके इसको भी हमने क्या कर दिया थोड़ा सा बड़ा दिया है, सो दैट ऑपरेशन में आपका जो मेंबर है वो फेल ना हो। ओके हम क्या कर रहे हैं एफसीडी एज्यूम कर रहे हैं कि 110 है, मे बी एफसीडी आपका 110 नहीं रह सकता, उससे ज्यादा हो सकता है, सॉरी हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो 110 है, वो मे बी 110 नहीं रह सकता, उससे ज्यादा रह सकता है। सो हमने क्या कर दिया जो आपका पर्टिकुलर एरिया रिक्वायर्ड था उसको थोड़ा सा बड़ा करने का कर दिया सेक्शन जो वो कंसिडर कर दिया। ओके नाउ फॉर दैट आर जेड आपका जो था 18.9 था, सिमिलरली हम क्या करेंगे पिछले बार जैसा हमने आर वाई वाई कैलकुलेट किया था, सिमिलरली यहाँ पे जो हमने आर वाई कैलकुलेट किया IG प्लस A² ओके IG अगेन आपका जो स्टील टेबल है उसमें आपको IG जो है वो गिवन है, ये जो आपका वो स्टील टेबल में गिवन है, एरिया आपके पास सिंगल सेक्शन का है और AH अगेन आपके क्या हो गया ये आपका हो गया 10/2 10 mm की गसेट प्लेट है डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, तो ये 9.6 क्या हो गया आपका CYY ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। ओके तो अगेन गसेट प्लेट डिवाइडेड बाय 2 और ये आपका CYY इन ब्रैकेट इसका स्क्वायर, तो इससे आपको IYY की वैल्यू जो मिल गई वो आपको इस तरह से वैल्यू मिल गई। ओके नेक्स्ट IYY की वैल्यू के बाद आपको RYY की कैलकुलेट करेंगे, RYY विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IYY डिवाइडेड बाय एरिया, तो आई आपके पास है एरिया आपको दोनों सेक्शन का लेना है, यहाँ पे भी हमने दो IYY जो हमने वो दो सेक्शन का कैलकुलेट कर मल्टीप्लाइड बाय 2 करके, तो इसलिए आपको एरिया जो सिंगल सेक्शन का नहीं लेना है टोटल सेक्शन का लेना है। यहाँ पे एरिया लेते वक्त ओके ये जो आपका A² है यहाँ पे एरिया लेते होते हो आपको सिंगल का लेना है, लेकिन जब यहाँ पे एरिया लेंगे आपको दोनों सेक्शन का एरिया जो वो कंसिडर करना है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 18.41। तो अगेन आर जेड है आपके पास 18.9, आर वाई है आपके पास 18.41, तो आर मिनिमम जो रहेगा आपका वो आर वाई वाई ही रहेगा, दैट इज 18.41 mm। ओके तो क्रिटिकल सेंटरनेस रेशियो विल बी इक्वल्स टू LX या फिर LY या फिर LZ डिवाइडेड बाय आर वाई वाई, चारों तरफ आपका जो इफेक्टिव लेंथ है सेम है इसलिए यहाँ पे LZ लीजिए LY लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो LY डिवाइडेड बाय आर वाई वाई विल बी इक्वल्स टू 108.4 आपका आ गया स्लेंडरनेस रेशियो। ओके नेक्स्ट सिमिलरली फ्रॉम टेबल नंबर 9C अभी आपका स्लेंडरनेस रेशियो 108, FY आपके पास 250, उससे आपका FCD आपको मिल गया 96.286, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द एरिया, एरिया आपके पास 952 आपको मिल जाएगा PD, PD इक्वल्स टू 91.66 किलोमीटर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 17.033 किलोमीटर। सो हम क्या करेंगे ठीक है हमारा जो सेक्शन है वो आपका कॉम्प्रेशन में सेफ हो गया, अभी हम क्या करेंगे इस सेक्शन को चेक करेंगे फॉर द टेंशन। अभी ये जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन था वो था प्रिलिमिनरी टेंशन मेंबर, ये जो हमारा सेक्शन था वो प्रिलिमिनरी टेंशन मेंबर था, टाई मेंबर था मतलब टेंशन था, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे TDG का जो चेक है वो सिंगल चेक नहीं दे ले, हम TDG के साथ साथ TDN का और TDB का ओके ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ओके हमने सिर्फ यहाँ पे ग्रॉस यील्डिंग का देखा, अभी हम क्या करेंगे नेट सेक्शन रप्चर का भी देखेंगे और जो ब्लॉक शेयर है उसका भी हम क्या करेंगे चेक देंगे। ओके इन केस ऑफ द आपका जो कॉम्प्रेसिव मेंबर था ओके कॉम्प्रेसिव मेंबर हम क्या करेंगे सिर्फ आपका TDG कैलकुलेट करेंगे TDG का चेक देंगे, लेकिन इन केस ऑफ द टेंशन मेंबर हम क्या करेंगे उसके साथ साथ TDL और एज वेल एज TDB जो है आपका मीन्स आपका नेक्स्ट सेक्शन रप्चर और आपका ब्लॉक शेयर उन दोनों के लिए भी हम क्या करेंगे चेक जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके तो अगेन यहाँ पे बैक टू जाते हुए आपका
चेक फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगेन आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू द ग्रॉस यील्डिंग आपको कंसीडर करना है, तो TDG आपके पास FI डिवाइडेड बाय AG, अगेन AG ये तो हमने कर लिया। सिमिलरली आपका 216 है रिक्वायर्ड आपके पास था 110 किलोमीटर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो आपका सेफ है इन द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। सिमिलरली अभी आपको ये हो गया आपका टेंसाइल में भी कैरी आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे अभी कनेक्शन डिजाइन करेंगे 16mm बोल्ट। सिमिलरली पिछले बार हमने जैसा किया वैसा ही सब कुछ है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं हमने किया है। ओके अगेन यहाँ पे आपका ये 10mm वाली कसेट प्लेट है और आपका एंगल सेक्शन जो है 5mm वाला है। ओके तो मिनिमम आपका यहाँ पे 10mm कंसिडर करेंगे, 5/5 10mm हो गया और कसेट प्लेट 10mm की, तो दोनों से मिनिमम आपका 10mm है। डिजाइन फोर्स है आपका 110। सिमिलरली प्रीवियसली जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन शियर कैलकुलेट किया था तो वैसा ही आपका रहेगा। ओके स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन शियर, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन द बियरिंग और बोल्ट वैल्यू जो आपकी आ गई वही आपके आ गई एक तो सॉरी बोल्ट वैल्यू जो आपके आ गई 57.95। ओके यहाँ पे जो ये जो बोल्ट वैल्यू यहाँ पे ये आपकी है 57, ये आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ है। ओके तो अगेन बोल्ट अगेन फिर से हमने क्या कर दिया नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे बोल्ट वैल्यू आपकी 57.95 है, ये जो आपका ये लोड है आपके पास 110.73, बोल्ट वैल्यू आपके पास 57, तो नंबर ऑफ बोल्ट आपके आ गए 1.91। सो हम क्या करेंगे उसको 2 कैज्यूम कर लेंगे, सो प्रोवाइड 2 नंबर ऑफ द बोल्ट 16mm डायमीटर ऑफ द 4.6 ग्रेड। ओके तो नंबर ऑफ बोल्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, कॉम्प्रेसिव के लिए हमने चेक कर दिया, टेंशन के लिए हम सिंगल चेक कर दिए, अभी टेंशन में आपको टीरिंग TDN के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है, तो टीरिंग एट द क्रिटिकल सेक्शन। सो फॉर दैट आपके पास बीटा वाला जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है। ओके बीटा वाला जो आपका फॉर्मूला था फॉर द एंगल सेक्शन आपको बीटा वाला फॉर्मूला कंसिडर करना पड़ता है, तो वहां पे आपको सबसे पहले कैलकुलेट करने पड़ेगा बीटा। बीटा विल बी इक्वल्स टू ये बड़ा वाला आपके पास फॉर्मूला है बीटा का, यहाँ पे आपका जो W रहता है ये आपका रहता है जो अनकनेक्टेड लेग है उसकी विड्थ ऑफ द अनकनेक्टेड लेग, या फिर उसकी थिकनेस रहती है। ओके तो आपका अनकनेक्टेड लेड उसकी विड्थ आपकी 40mm, उसकी थिकनेस आपके पास 5mm, FY आपके पास है, FU आपके पास है, BS आपकी रहती है शियर लैग। ओके शियर लैग क्या रहता है, सपोज ये आपका एंगल सेक्शन है आपका इस तरह से कुछ तो भी कनेक्टेड। ओके और ये यहाँ पे आपकी गसेट प्लेट इससे कनेक्टेड है। ओके तो यहाँ पे अगर हम बोल्ट प्रोवाइड करते हैं ओके तो शेयर लैग करेंगे ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस। ओके ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना रहेगा। ओके तो हमने ये अज्यूम कर दिया कि ये जो आपका जी है जी इक्वल्स टू 30mm, टोटल आपके पास कितना है ये 60mm का सेक्शन है आपके पास, तो ये हमने 30 अज्यूम कर दिया। आपके हिसाब से आपका जो सेक्शन होगा हम वो ये कम ज्यादा आप कर सकते हो। ओके ये 30 प्लस ये आपकी अनकनेक्टेड लेग है आपका 40 और उसमें से हमने माइनस कर दिया थिकनेस, ये आपको मिल गया शेयर लैग। उसके बाद लेंथ ऑफ द कनेक्शन, लेंथ ऑफ द कनेक्शन क्या रहता है फर्स्ट बोल्ट से लेके आखिरी वाले बोल्ट तक जो डिस्टेंस रहेगा, अभी आपके पास सिर्फ 2 ही बोल्ट है तो फर्स्ट बोल्ट से लेके आखिरी वाला बोल्ट ये जो आपका डिस्टेंस रहेगा, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा आपका पिच डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है 40। ओके तो LC की वैल्यू आपके पास आ गई 40। ओके दो ही अगर यहाँ पे 3 नंबर ऑफ बोल्ट रहते तो हम क्या करते ये पूरा बोल्ट लेते इस यहाँ से लेते फ्रॉम द फर्स्ट बोल्ट टू द लास्ट बोल्ट, यहाँ पे आपके 2 ही बोल्ट है हमने सिर्फ इन दोनों बोल्ट का जो पिच डिस्टेंस है वही आपका आ गया। तो फ्रॉम दैट बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, 40 को फॉर्मूला में इनपुट किया तो बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद डिजाइन ऑफ द प्रिंसिपल टायर, ओके अभी आपके पास अगेन ये जो TDN वाला आपका फॉर्मूला है फॉर दैट हमने बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, अभी आपको ANC की वैल्यू मिलेंगी और AGO की वैल्यू मिलेंगी, एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग और ये है आपका ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। ओके तो नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग विल बी इक्वल्स टू B माइनस एन डी जो मल्टीप्लाइड बाई टी। ओके नंबर ऑफ बोल्ट जो आपके उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। ओके तो B माइनस एन डी जीरो, ओके ये आपका रहेगा नंबर ऑफ बोल्ट। ओके B माइनस एन डी जीरो, इसमें से आपको थिकनेस बाय 2 भी आपको माइनस करना है। ओके तो थिकनेस बाय 2 भी आपको यहाँ पे माइनस करना है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे। ओके ये जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा उसमें से हम बोल्ट माइनस करेंगे एज वेल एज यहाँ पे थिकनेस बाय 2 भी माइनस करेंगे। ओके तो ये आपका रहेगा B माइनस एन डी जीरो माइनस थिकनेस बाय 2 और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे हम मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ओके तो थिकनेस आपकी रहेंगे तो ये B है आपके पास 60। ओके जो आपका कनेक्टेड लेग वो आपका 60 है, एन डी जीरो आपका सिंगल बोल्ट है इसलिए N इक्वल्स टू 1, एन डी जीरो आपका 18 है। ओके और T बाय 2 क्या आपका 5/2 मल्टीप्लाइड बाय हमने कर दिया थिकनेस, तो आपके यहाँ पर नेट कनेक्टेड एरिया आपका 197। सिमिलरली ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग डायरेक्टली आपका क्या रहेगा B माइनस T बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय T। ओके तो B है आपका आउटस्टैंडिंग लेग का 40, T बाय 2 आपका 5/2 और थिकनेस आपका 5, तो इससे आपको मिल गया ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग। ओके तो इस वैल्यू में हमने सब गामा M0 गामा M1 आपके सभी वैल्यू हमने इनपुट कर दिया तो TDN आपको मिल गया 105। अगेन
ये जो आपका TDN था, ओके, ये जो आपका TDN था, दिस वॉज फॉर द सिंगल सेक्शन. अगर आपको दोनों सेक्शन का TDN कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 210 किलोमीटर. 110 आपकी रिक्वायर्ड थी, आपके आगे 210, तो ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, हमारा जो सेक्शन है इट इज सेफ इन द नेट टीयरिंग ऑफ द सेक्शन. ओके, जो भी टीयरिंग ऑफ द सेक्शन है उसके लिए हम क्या है वो सेफ. सो नेक्स्ट इज योर ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ. ओके, नाउ चेकिंग इट फॉर द ब्लॉक शेयर, जो भी हमने सेक्शन प्रोवाइड किया है उसके लिए हम उसको हम चेक देंगे ब्लॉक शेयर का, वेदर इट इज सेफ इन द ब्लॉक शेयर और नॉट. टू कैलकुलेट द ब्लॉक शेयर वी विल रिक्वायर द डिफरेंट एरियाज, दैट इज AVG, AVN, ATG एंड ATN. ओके, नाउ द कनेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल बी लाइक दिस. ओके, दिस विल बी यूर वट एवर योर एंगल सेक्शन इज देयर. ओके, डबल एंगल सेक्शन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, सो दिस एंगल सेक्शन and only two number of bolts are there. Okay, so this will be your one bolt, this will be your second bolt, and then there will be a gusset plate like this. Okay, so now this particular section will fail in the block shear like this. Okay, this particular block of the particular whatever our section is there, a block of that particular section will be shear. So this block will be shear. Okay, now for that, this will be your area in the shear and this will be your area in the tension. Okay, now for the gross shear we are not going to deduct any kind of the bolt hole, so therefore this distance multiplies by the b or the thickness, that multiplies by the thickness, that will give us the gross area. Okay, now this distance will be equals to this distance is your end distance. We are going to consider end distance as a 330. हमने E जो है वो 30 mm एजम किया है और P की वैल्यू हमने 40 mm एजम की है. ओके, सो E प्लस P दैट विल बी योर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो 30 प्लस 40 टाइम्स थिकनेस हम मल्टीप्लाई करेंगे, थिकनेस है आपके 5 mm, दैट विल गिव अस द एरिया इन द ब्लॉक शेयर, एरिया इन द ग्रॉस शेयर, ग्रॉस एरिया इन द शेयर इक्वल्स टू 350 mm स्क्वायर. नेक्स्ट विल बी योर नेट एरिया. नाउ फॉर द नेट एरिया वी हैव टू डिडक्ट द बोल्ट होल. ओके, जो भी आपके बोल्ट होल है वो आपको डिडक्ट करने, तो नंबर ऑफ द बोल्ट होल विल बी इक्वल टू, सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी जीरो टाइम्स ये आपकी थिकनेस. ओके, तो बी आपके पास है, बी विल बी योर 30 प्लस 40, उसमें से नंबर ऑफ बोल्ट और उसको हमको डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल माइनस करना होगा. तो नंबर ऑफ बोल्ट विल बी इक्वल टू, ये पूरा का पूरा बोल्ट है आपका, इसलिए आप पर नंबर ऑफ बोल्ट विल बी इक्वल टू 1, और ये जो आपका बोल्ट है ये आखिरी वाला बोल्ट है आपके पास 0.5, आधा ही बोल्ट आपके पास, therefore total number of the bolt will be equals to 1.5. okay, so वही हमने यहाँ पे किया, total B will be equals to 30 plus 40, जो आपका आया 70, उसमें से हमने N D0 minus किया, N है आपका number of bolt equals to 1.5 और D0 या फिर D0 है आपका 18, so multiplied by again हमने क्या किया, thickness that will give us the AVN net area, मतलब हमने क्या कर दिया, bolt hole जो है वो minus कर लिए. Similarly ये जो आपका डिस्टेंस है, ओके, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू बी टाइम्स टी, दिस विल बी योर ग्रॉस एरिया इन द टेंशन. यहाँ पे आपका टेंशन होने वाला है, तो इसका जो भी विड्थ होगा मल्टीप्लाइड बाय टी अगर हम करेंगे तो आपको ग्रॉस शेयर, ग्रॉस टेंशन में आपको एरिया जो है मिल जाएगा. तो अभी आपके पास टोटल सेक्शन जो था आपके पास, हमने कंसिडर किया कि जो टोटल आपका एंगल सेक्शन है, ओके, टोटल सेक्शन आपके पास डेप्थ सेक्शन थे आपकी 30, उसमें से हमने बोल्ट जो है वो जी हमने अजूम किया था कि जी इक्वल टू हमने अजूम किया था 30. ओके, तो ऊपर वाला डिस्टेंस कितना बचा, टोटल आपके पास है 60 में से 30 गया, ऊपर भी आपका कितना बचेगा 30 mm. ओके, सो देयरफॉर विड्थ विल बी इक्वल टू 60 माइनस नीचे वाला जो हमने जी कंसीडर किया था वो 30 अजूम किया था. अगर आप 20 अजूम करते तो आपको वो जो है 20 माइनस करा है, जो हमने बीटा कैलकुलेट करते वक्त जो जी कंसीडर किया है हमने, कि बीटा में जो हमने बीएस कैलकुलेट किया शेयर लाइक विड्थ, तब हमने जी जो है वो अजूम किया था, जी हमने अजूम किया था वही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है. ओके, सो 60 माइनस 30 हमने यहाँ पे क्या, वहाँ पे हमने क्या किया था, जो भी गेज लेंथ थी वो हमने 30 एजम की थी. ओके, 60 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, 60 माइनस 30 आपका क्या गया, ये 30. अगेन बी माइनस आपको एन डिजर्व करना है, तो वर्टिकल में आपके नंबर ऑफ बोल्ट कितना, एक सिर्फ ये आधा वाला बोल्ट है आपके पास. ओके, सो नंबर ऑफ बोल्ट विल बी इक्वल टू 0.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल विल बी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय हम क्या करेंगे थिकनेस, दैट विल बी योर 80 एन. ओके, तो अभी आप सभी आपको एरिया जो हुआ अभी सभी आपको मिल गए. Now we will put it in the formula. Okay, तो हमारा formula जो है TDB1 का formula आपके पास, TDB2 का formula, इन दोनों में से जो minimum होगा that will be your strength in the block shear. Okay, so formula में input करने के बाद आपके पास दो answer आ गए, TDB1 है आपका 76, TDB2 है आपका 70.73. तो आपकी जो
स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल सेक्शन आ गया ना, अगेन सिंगल एंगल है, उसकी स्ट्रेंथ आपकी कितनी होगी 17.73 किलोन्यूटन। इन दोनों में से मिनिमम अज्यूम करना, तो ये आपकी मिनिमम है, तो 17.73 ये आपकी होगी मिनिमम स्ट्रेंथ। उसके बाद अभी ये दो एंगल है इसलिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाय टू करेंगे। ये जो थी आपकी वो सिंगल एंगल की थी, लेकिन आपका डबल एंगल सेक्शन है इसलिए हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाय टू करेंगे। दैट विल गिव अस द स्ट्रेंथ एज अ 141 किलोन्यूटन, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 110.73 किलोन्यूटन। हेंस वी कैन से दैट हमारा सेक्शन जो है वो आपका सेफ होगा। ओके, अगर बाय चांस आपके सभी वैल्यू सही आ जाती है, लेकिन यहाँ के आपके सपोज आपको 110 रिक्वायर था और आपकी कुछ तो भी आ गई सपोज 105 या फिर 100 किलोमीटर, ऐसा कुछ तो भी आपका आ जाता है, मीन्स थोड़े से अगर आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम रह जाती है, तो आपको क्या करना है, जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेशन किया, ये जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेशन किया इसमें हमने क्या अज्यूम किया कि जो आपका ई इक्वल्स टू 30 अज्यूम किया और पी इक्वल्स टू 40 अज्यूम किया, तो हम क्या करेंगे इसको बढ़ा देंगे, ई और पी को हम बढ़ा देंगे, सो दैट आपको जो ये वैल्यूज आपके ग्रॉस एरिया आपका बढ़ जाएगा, सो दैट आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएंगे। ओके, अगर आपकी वैल्यू कम आती है एकदम, मतलब 110 आपको रिक्वायर्ड है और आपकी वैल्यू सपोज आ गई 100, 105, 90 ऐसा कुछ तो भी आ गई, तो आप उसको इंक्रीज करना है आपको, तो हम क्या करेंगे इसको ई और पी को थोड़ा सा अज्यूम करें, सपोज ई को हम 40 अज्यूम कर देंगे, इसको हम क्या अज्यूम कर देंगे 50 अज्यूम कर देंगे, इसके एरिया बढ़ जाएगा और एरिया अगर आपका बढ़ा तो फिर आपका स्ट्रेंथ जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका सभी वैल्यू सेम आ रहा है, यहाँ पे आपका गलत हो रहा है, तो आप इस तरह से मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर पूरा सेक्शन रीडिजाइन करना है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा सेक्शन नहीं डिजाइन करना है तो सिर्फ आप उतना ही कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ओके, सो हमारा जो सेक्शन है वो हमने सबसे पहले कॉम्प्रेशन में डिजाइन किया, कॉम्प्रेशन में चेक किया, उसके बाद हमने टीडीजी चेक किया, उसके बाद हमने बोल्ट जो है नंबर ऑफ बोल्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद टीडीएन और टीडीबी1 टीडीबी हमने कैलकुलेट किया, सभी इसमें वो सेफ है, देयरफॉर हमारा जो प्रिंसिपल टाई जो है आपका, उसका डिजाइन जो आपका वो कंफर्म हो चुका, तो प्रिंसिपल टाई जो हमने वो डिजाइन प्रॉपरली कर दिया है। ओके, सो डिजाइन ऑफ द राफ्टर हमने किया, प्रिंसिपल राफ्टर, उसके बाद डिजाइन ऑफ द टाई मेंबर भी हमने कर दिया। ओके, ये दोनों जो आपके थे वो थे आपके बैक टू बैक डबल एंगल सेक्शन। ओके, तो इसका डिजाइन अलग रहेगा, अगर आप सिंगल एंगल डिजाइन कर रहे हो तो उसका डिजाइन अलग रहेगा। ओके, तो हम आगे करेंगे सिंगल एंगल, तो जो स्ट्रट है उसका हम डिजाइन करेंगे, जो इंटरनल आपके कॉम्प्रेशन वाले मेंबर है उसका डिजाइन हम करेंगे। तो डिजाइन कॉम्प्रेसिव लोड आपका स्ट्रट पे मैक्सिमम था आपका 31, डिजाइन टेंसाइल लोड था आपका 30.914, उसके बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रट थी आपकी 2.828 और ट्रायल सेक्शन। तो अगेन फिर से हम क्या करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो अज्यूम करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो से एफसीडी अज्यूम करेंगे, एफसीडी से हम क्या करेंगे रिक्वायर्ड एरिया जो है कैलकुलेट करना है। ओके, अगेन लेट्स प्रोवाइड अ सिंगल एंगल सेक्शन, अभी यहाँ पे जो इंटरनल एलिमेंट है वो सब हम सिंगल एंगल ही प्रोवाइड करने वाले, जो एक्सटर्नल एलिमेंट थे सजा जरा राफ्टर और टाई वहाँ पे हमने डबल एंगल प्रोवाइड किए थे। ओके, यहाँ पे अगर आपका लोड ज्यादा आता तो हम ये डबल प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी लोड है आपका 31 तो ये ज्यादा नहीं है, सिंगल एंगल सेक्शन ही कैरी कर सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको बढ़ाएंगे नहीं। ओके, सो अगेन एज यू मीन द थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट 10, वही जो हमने अब तक किया सेम कैलकुलेशन आपको करना है फॉर कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका आ गया 331.0670 mm². ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हमें सेक्शन कौन सा प्रोवाइड करना है, तो लेट्स ट्राई 65 by 5 mm हमने अज्यूम किया। ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे आपको इक्वल एंगल सेक्शन, जो इंटरनल मेंबर, जैसे मैंने कहा था कि आपको क्या करना है इक्वल एंगल सेक्शन प्रोवाइड करना है। ओके, तो देयरफॉर ये सिंगल इक्वल एंगल है, अनइक्वल एंगल नहीं है आपका, ये इंटरनल एलिमेंट जो आपके वो इक्वल रहेंगे, एक्सटर्नल हमने अनइक्वल कंसीडर किए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो K1 K2 वाला फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है, तो K1 K2 के लिए मैक्सिमम पॉसिबली ऐसा कीजिए कि आपको जब भी हम K1 K2 K3 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब आपको क्या करना है जो इक्वल एंगल सेक्शन है वो प्रोवाइड करना है। अगर आप रेगुलरली FCD वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो आपका टेबल 9C वगैरह जो आपका फॉर इलोर्स वाला या फिर टेबल 9C वाला जो अगर आप डायरेक्ट टेबल यूज कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना है अनइक्वल एंगल सेक्शन प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर आप K1 K2 वाला जो फॉर्मूला है आपका वो यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है इक्वल एंगल सेक्शन प्रोवाइड करना है। ओके, अगेन यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड एरिया था आपका 331, हमने कंसिडर किया 625। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि आपको मेन क्राइटेरिया क्या है, आपको यहाँ पे RVV देखना है। ओके, RVV आपका ज्यादा चाहिए सो दैट आपकी जो वैल्यू है वो प्रॉपरली होगी। ओके, यहाँ पे आपको एरिया नहीं देखना है, मेन आपकी RVV है। ओके, तो ये मेरे दो तीन बार मैंने ट्रायल किया कि 331 यहाँ पे मैंने 400 वाला भी सेक्शन लिया था, 460 वाला भी सेक्शन, ऐसे कुछ तो भी सेक्शन थे वो लिए थे, लेकिन सभी सेक्शन मेरे क्या हो गए फेल हो गए। ओके,
तो आपको यहाँ पे कंसिडर प्रॉपरली करना है कि लेंथ जो है वो मेरी बड़ी है, ओके लेंथ मेरी बड़ी है इसलिए, और एज वेल एज मुझे आरएमवी भी कंसिडर करना है, तो इसलिए मैंने इसका एरिया जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। तो आप भी वैसा ही कीजिए, थोड़ा सा एरिया बढ़ा के लीजिए, 300 आया आपका तो हम क्या करेंगे 600 ले लेंगे, इस तरह से बढ़ा के लीजिए, सो आपका जो सेक्शन है वो 100 नहीं। हाँ, अगर आपकी अभी रिक्वायर्ड था 30 किलोमीटर और आपका 30 किलोमीटर आपको रिक्वायर्ड है और आपकी जो वैल्यू आ गई, ओके 30 किलोमीटर आपको रिक्वायर्ड था कि ठीक है 30 किलोमीटर लोड कैरी करना चाहिए और आपकी एक्चुअली वैल्यू 90 किलोन्यूटन आ गई, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया ओवरसेव, फिर 60 किलोन्यूटन आ गई तो ये ओवरसेव हो गया। अगर 5-10 का डिफरेंस है तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है 20-30 का डिफरेंस है तो फिर आपको रीडिजाइन जो वो करना है। तो अभी यहाँ पे हम रीडिजाइन नहीं करेंगे, हमारा जो सेक्शन है 40 किलोमीटर का कुछ तो भी आता है तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एरिया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, अब एकदम 331 यहाँ पे आया तो मैंने 400 भी लेके दिया था, 460 भी लेके देखा था मैंने, लेकिन वो सभी फेल हो गए थे। तो आपको मेन यहाँ पे जो है वो आरवीवी कंसिडर करना है, आरवीवी आपका ज्यादा से ज्यादा चाहिए और एरिया भी थोड़ा सा अगर हमने बढ़ाया तो भी चलता है, ओके। सो नेक्स्ट आपका आरवीवी हमने कंसिडर किया, उसके बाद आपके पास स्टड है, हम कंसिडर करेंगे कि जो एंड पॉइंट्स है वो आपके मोर देन वन बोल्ट से, मतलब दो बोल्ट से या फिर दो से ज्यादा बोल्ट होंगे अगर वो कनेक्टेड है, और वो क्या है आपके ई चेन जो आपके वो फिक्स्ड है, इस तरह से इमेजिन करेंगे। तो आपके पास K1 K2 का आपके पास फॉर्मूला है, ओके K1 K2 का ये आपके पास फॉर्मूला है, K1 K2 लैम्बडा ई का फॉर्मूला आपके पास, लैम्बडा ई का जो आपका इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो है उसका फॉर्मूला आपके पास K1 K2 लैम्बडा वीवी स्क्वायर और K3 लैम्बडा फाई स्क्वायर, और लैम्बडा वीवी का आपके पास ये फॉर्मूला है और लैम्बडा फाई का आपके पास ये फॉर्मूला है, ओके। एल जो रहती है आपकी वो लेंथ रहती है, ये अनडिस्टेंट लेंथ आपकी डायरेक्ट जो सेंटर टू सेंटर लेंथ देंगी, अभी हमारी सेम ही लेंथ है, सो 2828 जो आपकी वो 2828 ये डायरेक्टली लेंथ जो आपकी ओरिजिनल लेंथ ही है। आरवीवी जो है हमारा सेक्शन का हमने कंसिडर कर दिया है, उसके बाद पाए पाए है आपका, उसके बाद एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ही कंसिडर करनी है आपको, ओके। ई जो है आपका इक्वल्स टू मॉडल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द स्टील, मॉडल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द स्टील जो आपका है वो 2 × 10^5, तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 2.525। सिमिलरली B1 B2 ये जो आपके दो ये जो आपके अनइक्वल एंगल इक्वल एंगल के जो आपके दो लेग रहते हैं उनकी रहती है, तो ये आपका सपोज हमने B1 कंसिडर कर दिया, इसको B2 कंसिडर कर दिया, और ये जो आपका इसको हमने क्या कर दिया थिकनेस कंसिडर कर दिया, ओके। तो B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाय 2t और अगेन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय 250। B1 B2 आपका 65 2 times थिकनेस एच एस 5, ओके। तो इससे आपकी जो लैम्बडा 5 की वैल्यू आपकी 0.146। अगेन K1 K2 K3 ये हमने क्या कंसिडर किया कि दोनों एंड क्या है आपके मोर देन 1 वोल्ट, ओके मोर देन 1 वोल्ट, और दोनों एंड क्या हमने कर दिए फिक्सिटी कंसिडर कर दी, फिक्स मतलब जो आपकी K1 K2 वाली सबसे पहली वैल्यू जो आपका K1 K2 वाला जो आपका टेबल है उसमें से सबसे पहली जो आपकी रो है वही वैल्यू हमने कंसिडर की 0.20 K1 0.35 K2 और 20 आपका K3, ओके। और ये आपका लैम्बडा वीवी, ये आपका लैम्बडा पाई, इस तरह से हमने लैम्बडा ई की वैल्यू जो वो कैलकुलेट की, तो लैम्बडा ई की वैल्यू जो आपकी आ गई 1.690। उसके बाद लैम्बडा ई की वैल्यू जो है हम इनपुट करेंगे फाई के फॉर्मूले में, ओके। तो फाई का फॉर्मूला आपके पास फाई इक्वल्स टू 0.5 1 प्लस अल्फा, अल्फा आपका इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर आपका कौन सा क्लास है आपका बकलिंग क्लास है आपका 3rd या फिर बकलिंग क्लास सी है, तो बकलिंग क्लास सी के लिए आपके अल्फा की वैल्यू रहती है 0.949, तो ये 0.49 अल्फा। लैम्बडा ई हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 1.69, सिमिलरली लैम्बडा ई का स्क्वायर, तो यही अभी कैलकुलेट लैम्बडा 1.69 स्क्वायर, तो 0.5 1 प्लस 49 ये आपका वैल्यू आ गई फाई की वैल्यू आपके आ गई 2.415, ओके। सो डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके पास एफसीडी विल बी इक्वल्स टू fy डिवाइडेड बाय गामा m0 फाई प्लस फाई स्क्वायर माइनस लैम्बडा ई का स्क्वायर रेस टू 0.5, ओके। तो सब वैल्यू आपके पास है, सब वैल्यू इंटर करने के बाद आपके पास एफसीडी की वैल्यू है 65.57। अगेन एफसीडी पीडी लोड विल बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय एफसीडी, पीडी आपके पास आपके पास है 625, एफसीडी आपके पास है 65.57, दैट विल गिव अस द लोड एज 40.98 किलोन्यूटन, सो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 31, देयरफॉर हमारा सेक्शन है वो कॉम्प्रेशन में क्या है आपका सेफ, कंसिडर हम जो है वो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका टेंशन स्ट्रेन के लिए हम चेक करेंगे, अगेन आपका टीडीजी वाला आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, fy डिवाइडेड बाय ag डिवाइडेड बाय गामा m0, ग्रॉस एरिया आपका 625, 250 गामा m0 आपका 1.1, ये आपका आ गया 142 किलोमीटर, रिक्वायर्ड था आपका सिर्फ 30 किलोमीटर,
ऑब्वियसली इट इज सेफ इंटेंशन। उसके बाद कनेक्शन डिजाइन, अभी जो लोड था आपका वो कितना है आपका, सिर्फ 30 kN है। ओके, तो ऑब्वियसली जो भी हमारे नंबर ऑफ वोल्ट आने वाले हैं वो लेस देन 2 ही आने वाले हैं। कुछ भी कीजिए आपके, क्योंकि 30 kN आपका जो लोड है, अगर आप शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं या फिर बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं सिंगल शेयर या फिर डबल शेयर में, आपको पता है कि लेस देन 2 नंबर ही वोल्ट आने वाले हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 31 kN ही आपको क्या है रिक्वायर्ड चाहिए। ओके, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिजाइन ना करते हुए डायरेक्ट बता देंगे कि ठीक है जो हमारा लोड है ओके वो बहुत कम है, देयरफॉर हम डिजाइन नेसेसरी नहीं। आपको पता है कि मिनिमम हमें क्या करने हैं, 2 वोल्ट तो प्रोवाइड करने हैं, और अगर 30 kN लोड है तो ऑब्वियसली शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा ही रहेंगे, तो वो नंबर ऑफ वोल्ट आपके 2 ही आने वाले, 2 से कम ही आने वाले हैं, मिनिमम 2 प्रोवाइड करना है। इसलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली प्रोवाइडिंग 2 16 mm डायमीटर वोल्ट अपग्रेड्स 4.6। अगर आपको एज्यूम करना है आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, याद रखिए आपके सिंगल शेयर आपका रहेगा, सिंगल शेयर के हिसाब से आप डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ द बोल्ट। ओके, बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, और फिर बोल्ट वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, लोड डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू आपका नंबर ऑफ बोल्ट आ जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी, अगर सपोज आपकी स्ट्रेंथ जो रहती है वो सपोज 40 kN 50 kN ऐसी कुछ तो भी ज्यादा रहती है, तो उस बार आप कैलकुलेट कर सकते हैं 30, 25, 10 ऐसा साठी तुम्हारा नंबर ऑफ बोल्ट दोनों से प्रोवाइड कराए। ओके, इसी तरह से आपको जो नेक्स्ट डिजाइन है वो करना है, दैट इज फॉर द इंटरनल टाइम मेंबर। ओके, टाइम मेंबर के लिए आपको इस तरह से ही डिजाइन करना है जैसे हमने एक्सटर्नल टाइम मेंबर किया, ओनली इसके बाद आपको एडिशनल स्टेप यूज करने, क्योंकि वो जो आपके वो प्राइमरीली टेंशन मेंबर है। ओके, जो हमने इंटरनल टाइम है वो क्या है, प्राइमरी टेंशन मेंबर है, तो इसके लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, TDM का भी चेक देना पड़ेगा एज वेल एज TDG का भी चेक देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमने TDN और TD ब्लॉक शेयर का TDB का भी चेक देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने TDN और TDB का जो आपका चेक है वो हमने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट जब हम डिजाइन ऑफ द टाइम मेंबर कंसिडर करेंगे इंटरनल टाइम मेंबर, तब आपको ये TDN और TDB का आपको चेक जो है वो देना है, जैसे हमने प्रिंसिपल टाइम मेंबर में प्रोवाइड किया। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन आपको करने हैं। ये जो PDF है इसकी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ में ये PDF भी अपलोड कर देता हूँ। ओके, इसको आप रेफर कर सकते हो, मे बी यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो आपको उस पर जाना नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मे बी मिस्टेक हो सकती है, मैंने इतने अच्छे से नहीं किए हैं, देखे नहीं है। अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप कीजिए कि सर यहाँ से क्या करना है, इसका क्या करना है, आप कुछ भी मुझे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, जितने जल्दी हो सके उतने डिजाइन कीजिए। आपको क्या क्या डिजाइन करना है वो सिर्फ आपको याद होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम क्या क्या डिजाइन आपको करना है। तो टोटल आपको फर्स्ट आपको प्रिंसिपल राफ्टर डिजाइन करना है, दूसरा आपको प्रिंसिपल टाइम मेंबर डिजाइन करना है, तीसरा आपको जो इंटरनल स्ट्रट है वो डिजाइन करने हैं, उसके बाद चौथा आपको इंटरनल टाइम मेंबर डिजाइन करने हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर सपोज स्ट्रट्स या फिर टाइम मेंबर है इनके अगर इसमें ज्यादा डिफरेंस होगा, सपोज एक 10 kN होगा एक 50 kN होगा, तो इन दैट केस आपको दो अलग अलग डिजाइन करने हैं। ओके, सपोज इन दोनों में से स्ट्रस और जो टाइम मेंबर है दोनों में से, एक प्राइमरी आपको चार ही करने हैं, लेकिन इन जो दो है स्ट्रट और टाइम मेंबर, इंटरनल स्ट्रट और इंटरनल टाइम मेंबर, अगर इसके जो भी वैल्यूज है आपके उसमें ज्यादा डिफरेंस आता है तो उसको आपको अलग अलग से करना है। ओके, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे अगर वापस जाते हैं जो हमारी, ओके, तो ये था आपका प्रिंसिपल टाइम मेंबर हमने डिजाइन किया, उसके बाद प्रिंसिपल राफ्टर हमने डिजाइन किया, उसके बाद इंटरनल टाइम मेंबर में क्या था आपका, देखिए यहाँ पे दो लोड हमने कंसिडर किए। ओके, ये आपका एक है 10 kN वाला लोड और एक है आपका 43। अभी इसमें ज्यादा डिफरेंस है इसलिए हमने इंटरनल टाइम मेंबर आपको क्या करना है, दो बार डिजाइन करना है। ओके, एक आपका 10 kN के लिए डिजाइन करेंगे और दूसरा हम 43 kN के लिए डिजाइन करेंगे। ओके, उसके बाद अभी स्ट्रट में वैसा कुछ नहीं है, स्ट्रट में कुछ ज्यादा 24 और 30 ऐसा ही डिफरेंस है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था इसलिए इन दो सबको हमने क्या किया, इन चारों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था इसलिए हमने एक ही कंसिडर किया। तो टोटल आपको 5 मेंबर जो डिजाइन करने हैं, 5 मेंबर का कॉम्प्रेशन के लिए चेक देना है, टेंशन के लिए चेक देना है, और उसके जो एंड कनेक्शन है मतलब जो नंबर ऑफ वोल्ट है वो भी आपको कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे लेक्चर।